24 घंटे में उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। दो जगह पर एक्सट्रीमली हैवी, चार जगह पर वेरी हैवी और 23 जगह पर हैवी रेनफॉल भी ऑब्जर्व की गई है। सबसे अधिक वर्षा जो है मलकानगिरी स्टेशन में 253 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हीराकुंड में हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 35.4 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर 32.2 और कटक का 31.4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अभी तक 1 जून से लेके 9 सितंबर तक टोटल 908.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से अभी भी 9% नीचे चल रही है। 12 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। अब बात करते हैं डीप डिप्रेशन की। जो डीप डिप्रेशन है वो पहले नॉर्थ वेस्ट और जर्नी वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल में था। वह नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पिछले 6 घंटे में मूव किया और सुबह 8:30 बजे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अभी वो 19.6 नॉर्थ वेस्ट बे बंगाल के ऊपर, लैटिट्यूड 19.6 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 86.2 डिग्री ईस्ट के ऊपर बना हुआ है, जो कि 50 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट है पुरी से, 90 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पारादीप से, 140 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोपालपुर, 140 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट ऑफ चांदवली, 260 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ कलिंगापट्टनम एंड 260 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट ऑफ दीघा वेस्ट बंगाल से दूरी पर है। यह जो सिस्टम है आगे यह नॉर्थ वेस्ट और मूव करेगा और यह अगले तीन घंटे में पुरी के आसपास, उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट के आसपास 9 सितंबर आज यानी कि आज क्रॉस करेगा। फिर ये आगे कंटिन्यू करेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन उड़ीसा के होते हुए। यह इसकी इंटेंसिटी जो है डीप डिप्रेशन से इवनिंग तक कमजोर होकर एक डिप्रेशन कमजोर हो जाएगी और यह डिप्रेशन बन जाएगा आज मिडनाइट और 9 सितंबर। उसके बाद ये सिस्टम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और मूव करेगा रोज 36 घंटे से होता है सब्सिक्वेंट 24 आवर्स के लिए। दूसरा जो सिस्टम मानसून ट्रफ जो कि पास करा बीकानेर, सीकर, खुजराहो, बिलासपुर, पुरी, डीप डिप्रेशन इसके सेंटर से होता हुआ साउथ ईस्ट और जाता हुआ ईस्ट सेंटर बे ऑफ बंगाल से जा रहा है। इसके साथ ये दूसरी जो है ट्रफ दी गई है एक साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश से सेंटर ऑफ डीप डिप्रेशन, उसके बाद नॉर्थ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और यह जो है समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई में और साउथ और दक्षिण की तरफ टिल्टिंग है हाइट के साथ। इन सिस्टम के प्रभाव से आज और कल यानी आज 9-10 तारीख को जो हमारा होल उड़ीसा है वहाँ पर ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहने की संभावना है। उसके अलावा मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, बोलांगीर, बोध, कंधमाल, नयागढ़, गंजम, खुर्दा, पुरी, यह जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रेड वार्निंग दी गई है, जहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी फ्यू प्लेसेस विद एक्सट्रीमली हैवी आइसोलेटेड प्लेस पे होने की संभावना है, जिसमें कि रेनफॉल के अमाउंट 20 सेंटीमीटर से भी ऊपर रहने की संभावना है। इसके लिए रेड अलर्ट दिया गया है इन डिस्ट्रिक्ट को। उसके अलावा नुआपाड़ा, कलांडी, रायगढ़, गजपति, बारगढ़, सोनपुर, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज वार्निंग दी गई, जहाँ पे आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की रेंज में। उसके अलावा झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। 10 तारीख को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, नुआपाड़ा में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए। सुंदरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बोलांगीर में येलो अलर्ट दिया गया है आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए। डे 3 में सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है।